नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात करेंगे 2024 के चुनाव में राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति की। जी हां, दरअसल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने खास प्लान बनाया है। विपक्षी दलों ने एनडीए की राष्ट्रवाद के जवाब में देशभक्ति वाला गठबंधन पीडीए यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। सीपीआई की एक प्रेस रिलीज विपक्षी दलों के इस गठबंधन का एक ये नया नाम सामने आने के बाद बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में एनडीए को पीडीए जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि घपलेबाजों का गठबंधन है पीडीए। इसके साथ ही बीजेपी ने पीडीए का फुल फॉर्म परिवारवादिक डेमोक्रेटिक अलायंस बताते हुए भी हमला बोला। अब आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने विशेष पैनल के साथ। तो पीडीए वर्सेस एनडीए, इस लड़ाई में आगे 2024 किस तरह से दिख रहा है वो हम आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। उससे पहले जरा जो बयानबाजी से लेकर चल रही है उस पर नजर डालिए। इस बार मैंने कहा जनता एक है और आपको बताया नहीं मैंने, एनडीए को पीडीए हराएगा और पीडीए को आप सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा, लेकिन कैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। तो सारी डेमोक्रेसी को आप समाप्त कर रहे हैं। आज अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो उसके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। आज तो पूरा देश का जो लोकतंत्र है खतरे में है, आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है। तो आज जो हम आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस हमारे साथ है। बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फोटो सेशन था तो फिर बीजेपी को इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मीटिंग के बारे में क्यों बोलने के? आराम से रहें, शासन चलाएं, उनको कौन रोके हुए है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मीटिंग के बाद बीजेपी का नींद उड़ा हुआ है। बीजेपी अच्छी तरह से समझ रही है कि सचमुच में ये गोलबंदी हो गई तो हम लोग 100 सीट के नीचे चले जाएंगे। कि देश को आज एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प की आवश्यकता है। आगे की बातचीत शिमला में होगी। राज्य के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर एक ऐसा समन्वय होगा जिसमें 77 और 2004 की एक झलक दिखेगी और देश को एक विकल्प मिलेगा। और ये जो हताशा और निराशा में लोग रेटोरिकल चीजों में लोगों को जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है उससे मुक्ति। यह तय किया है कि अब उनके गठबंधन का नाम यूपीए के बदले पीडीए होगा, अर्थात परिवारवादी डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक भी है, जब सोनिया गांधी के बेटे के कहने से नीतीश कुमार ने तारीख आगे बढ़ा दी और इस अलायंस में मुलायम सिंह यादव जी के बेटे जैसे न जाने कितनों के बेटे बेटियां शामिल हैं, तो इस तरह के गठबंधन का नाम तो परिवारवादी डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात पीडीए होना ही चाहिए। तो एनडीए वर्सेस पीडीए की इस लड़ाई ने अब और एक नई बहस छेड़ दी है और नए सवालों को जन्म दे दिया है। आज इन्हीं सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ विशेष पैनल, बड़ा पैनल मौजूद है इस वक्त। आप देख रहे हैं मनोज यादव समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव को आप देख पा रहे होंगे, राजीव रंजन भी मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। प्रशांत देव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। ये पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो नई बहस छिड़ी है, जो डी राजा ने अपनी प्रेस रिलीज में एक नया नाम दिया है, जरा मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इस नए नाम की जरूरत क्यों आन पड़ी है। राजीव जेटली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रशांत, आपसे ये सवाल है कि आखिर इस नए नाम की जरूरत क्यों? यूपीए तो था ही ना, अब ये पीडीए क्यों? और वो पीडीए जिसको लेकर पहले ही एक नया नाम, एक जो डेफिनेशन थी वो अखिलेश यादव की तरफ से दी गई थी, अब ये नया जो पीडीए है ये एक नया मुद्दा यहां पर उभरता हुआ दिख रहा है, देशभक्ति राष्ट्रवाद। देखिए,
ये जो पीडीए मतलब पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस जो नाम रखा गया है या रखे जाने की बहुत संभावना है, अंतिम मुहर अभी लगनी है। तो दरअसल में जो बीजेपी जो इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है विपक्षी दलों के लिए, तो बीजेपी हमेशा देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात करती है, तो उसी से मिलता जुलता ये नाम है पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि लोहा लोहे को काटेगा। ये सिद्धांत इस तरह का लगता है कि हम भी इसी स्तर पे इसी लहजे में मैसेजिंग देंगे नीचे। तो जो पीडीए का गठन, पीडीए का नामकरण जो है वो इसी भावना से शायद रखा गया है कि जो बीजेपी जो बात करती है हमेशा देशभक्ति की राष्ट्रभक्ति की, तो हम भी उनसे कम नहीं है, हम भी राष्ट्रभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं जो आरोप उन पे लगते हैं, हमेशा मुकदमे लगते हैं। तो ये एक परसेप्शन बदलने की कवायद है। दूसरी बात, मुखड़े और अंतरे में देखिए बहुत अंतर होता है। तो अब जो तमाम इतनी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो जो सामने सब कुछ दिखाई दे रहा वही सब बिल्कुल सच नहीं होता, दोनों के लिए ये लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्षी दलों के लिए। अंदर इनके जरूर ऐसा कुछ है, कोई ऐसी ताकत ज़रूर है विपक्षी दलों में जिससे शायद अंदर खाने में बीजेपी को भी कुछ बेचैनी हो रही है। आप देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा मंडरा रहे हैं, जेपी नड्डा जा रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, मतलब वो जो आप इनका जो कमज़ोर हिस्सा है उसको मजबूत करने के लिए छोटे दल छोटे नेता तमाम लोगों को अपनी तरफ शायद मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि 2024 में अगर ये तमाम दल इकट्ठे हो जाते हैं तो शायद कहीं नुकसान तो ना हो जाए। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, और जब गवर्नमेंट जो है जो चल रही है, जो तमाम इतने दावे किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट रहेगी तभी तो गवर्नेंस हो पाएगी। तो ये बात आशंका जरूर रहती है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि फाइनल मैच है 2024 का, पूरी ताकत बीजेपी अपनी लगाना चाहती है, लगा रही है अभी से। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आप देखिए चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, तो किसी भी तरीके से बने रहना ज़रूरी है, कहीं छोटी सी भी ऐसी चूक ना हो जाए जहां से कोई ऐसी लीकेज हो और पानी निकलने लगे और कमज़ोरी हो जाए। तो ये बात ज़रूर है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आप देखिए जो बयान आ रहा है चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं तो चिंता की लकीरें ज़रूर हैं कि आखिर सब इकट्ठे हो रहे हैं तो ठीक है किस हिसाब से परिणाम लाना है। और आप अगर 2019 के नतीजे देखिएगा राज्यवार, तो करीब 98% का मार्क्स है लोकसभा में हर राज्य में, क्या उसको दोहरा पाएगी बीजेपी? बीजेपी के सामने चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 100% से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। 98% आपका परफॉर्मेंस रहा, लगभग हर राज्य में आप एक या दो सीट ही लूज की है, बाकी सब एनडीए वर्सेस पीडीए की जो ये नई पिच तैयार की गई है, बिल्कुल चुनौती है कि उस स्थिति को कौन सक्सर मारता है, ये तो 2024 का चुनाव ही बताएगा।